जय हिंद सभी को। तो आइए आज थोड़ा सा फाइनल मेरिट के ऊपर ध्यान दें एक नज़र। आप लोग बहुत कटअप करके हल्ला कर रहे हैं, महाराज मेरा पूरा टेलीग्राम भर दिए हैं आप लोग। हर हमेशा जब भी डाटा खोलते हैं खाली भैया हम यहाँ से हैं, इस कैटेगरी से हैं, इस डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, कितना कटअप जाएगा। भैया कोई भगवान नहीं है जो आपको बता दे, या कोई यूट्यूब चैनल वाला जो बोलता है उसका बाप नहीं बैठा हुआ SSC में। आपको अपने से समझना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया से, आपके कैटेगरी से, आपके स्टेट से कितना लड़का गया था मेडिकल देने, ठीक है, कितना का सीट था और क्या मेडिकल का पासिंग रेशियो है, क्या रीमेडिकल में कितना पास हुआ। ये सब जब आप अपने से समझ लीजिएगा तो खुद आपको पता चल जाएगा। हम एक ओवरऑल डाटा आपके सामने पेश करेंगे, ठीक है। डाटा है मेरे पास, रखा हुआ है डाटा, बनाए हैं आपके लिए अपने से एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन वो हम दिखाते हैं, लेकिन अभी संडे को थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकले, अचानक याद आ गया कि फिर आप लोग दिमाग मेरा ख़राब कीजिएगा कि संडे आया वीडियो नहीं बनाए। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी हम जो खाली बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको डाटा खुद ब खुद मन में घुस जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक PDF उठाना है जिसमें कि दिया था मेडिकल के टाइम में कितना कैंडिडेट कहाँ से बुलाया जा रहा है, और एक PDF दिया था जो मतलब कितना कहाँ सीट है किस डिस्ट्रिक्ट एरिया में, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ये भी चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट से बोलता है कि भैया मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, मेरा इतना नंबर है, मिलेगा कि नहीं। अरे भैया आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस CISF है और आपका जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में SSB का सीट है, तो कैसे मिल जाएगा? दिमाग ख़राब है क्या? समझने की बात की, ऐसा ही कोई मतलब YouTube पे मुंह उठा कर जाता है, कटअप बनने लगता है, हाँ UP का इतना नंबर, MP का इतना नंबर, पश्चिम बंगाल का इतना नंबर, पागल है सारा। वैसे नहीं, कटअप बनाने से अच्छा है अगर आपका अभी भी, देखिए साधारण बात बोल दें, वीडियो के शुरू में ही बोल देते हैं, सुनिए दिमाग ख़राब मत कीजिए। ये आपसे कोई यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है जो कि बोलेगा वीडियो को देखते रहें, ये करें वो करें, और लास्ट में मादरचोद जगह कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो हम साधारण सा बात खाली ये बोलना चाहते हैं, आप खाली सुनिए मेरे बात को, समझिए साधारण सा बात, कुछ नहीं करना है आपके पास। आपको अभी देखना है कि पिछले बार आपके स्टेट से कितना नंबर बढ़ा, ठीक है। मान लीजिए आप बिहार के हैं, बिहार में देख रहे थे 10 नंबर बढ़ गया था, और खैर क्या बताएं आपको, बहुत सारा स्टेट है जैसे कि हाईलाइटेड स्टेट, जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, UP, MP, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब क्या है हाईलाइटेड स्टेट SSC GD के हिसाब से। अगर आप इस सब इलाके जो भी हम नाम बोले, अभी हम चलते फिरते बोल रहे हैं, जब बैठेंगे जब आपके साथ डाटा शेयर करेंगे तब तो गर्दा उड़ा देंगे। हमको लगता है अगर 10 वीडियो खाली, सॉरी 10 बहुत बोल दी, 4-5 वीडियो खाली घुमा देना यूट्यूब पर कि कटअप कैसे बनता है, कैसे बॉर्डर से नक्सल, नक्सल से जनरल, समझेगी नहीं कैटेगरी। अरे महाराज आपका नंबर अगर अधिक है ना तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्वालिफाई कर सकते हैं, वहाँ का फर्स्ट प्रेफरेंस ले सकते हैं आप। आपको पता है ये सब कौन बताएगा आप? कोई नहीं। आप कभी खोजिएगा इतना डिटेल में कोई आपको बता पाता है? अगर आपको ये सब जानना होगा ना तो एक काम कीजिएगा, लगभग 2018 सबके समय का वीडियो होगा मेरे पास, ताकि हम लगभग क्या बताएं, उतना दिन से यही सब कर रहे हैं और यही सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए दूसरा बात है कि अगर हमको उसका समय रहता या अगर हम कोई यूट्यूबर रहते तो A to Z सब कुछ आपको बताते, और ऐसे ऐसे A to Z हम सबको बता भी चुके हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आप जब वीडियो पीछे में जब जाइएगा, बहुत दिन पहले, मतलब साल भर भी हो सकता है, तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। खैर वो सब देखने कोई काम नहीं, हम लगातार धीरे धीरे इसी प्रकार से बात करते करते सबको ख़त्म कर देंगे, समझे कि नहीं। तो कटअप का क्या टेंशन है, एक तो छोटा सा बात फिर आपको बता देते हैं। देखिए बोलने के लिए बहुत बात है, अगर बोलते रहे तो 8 मिनट का वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। साधारण सा बात समझिए, अगर आपका एज 23 के अंदर है, 23 के अंदर आने का मतलब आप जनरल कैटेगरी में घुस गए, और आपका कटअप जो कटअप है उससे अधिक हो गया, मान लीजिएगा जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया कटअप है 70, ठीक है, और आपका 72 आ गया और आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया से थे, तो आपको कटअप में क्वालिफाई कर देगा जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में। आपको शायद विश्वास नहीं है तो किसी का स्कोर कार्ड चेक कीजिएगा, हम तो लाइव प्रूफ दिखाएं महाराज, सब कुछ दिखाएं कि कैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया वाला जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में क्वालिफाई किया है, नक्सल वाला जनरल में क्वालिफाई किया है, कैसे समझिए। ये सब नहीं समझिएगा कोई काम नहीं लगेगा। आप लोग ठीक है, नौकरी लग जाएगा, नौकरी कीजिए, कोई मतलब नहीं, ये सबसे कटअप का क्या मतलब है, ठीक है। आपका 5 नंबर ज़्यादा है, 6 नंबर ज़्यादा है, कोई टेंशन ही नहीं है, मेरिट तो बनेगा ही, ये सब समझ के क्या उखाड़िएगा आप। लेकिन फिर भी एक तो माइंड में रखना चाहिए कि सोचें कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो जितना अभी देखिए इस बार का कटअप महाराज उतना हम समझाएंगे तो हमको फिर लिख पढ़ के बताना पड़ेगा कितना कैंडिडेट कहाँ था किस स्टेट का। ये तो साधारण सा आप लोग बात हमको खाली लिख दीजिए कमेंट में कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया कौन सा है, आप किस कैटेगरी से हैं, और आपका मेडिकल के कटअप से कितना नंबर एक्स्ट्रा है,
आप मेल हैं कि फीमेल हैं, ये जितना भी हम चार पांच बात बोले ये हमको खाली कमेंट में लिख दीजिए। उसके बाद देखिएगा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बारे में खुलकर बता देंगे। अब देखिएगा एक बार ट्राई करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कमेंट में मिलना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए लाइक टाइक। देखते हैं हम लगभग पुराना सब जो रहता था एक समय में सबसे नंबर मांगते थे स्टूडेंट्स, तो अब नंबर गया है लड़का मेडिकल देने रीमेडिकल देने सबको कॉल कर करके पूछते थे क्या हुआ कैसे हुआ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो सुविधा होता था हम प्रदान करते थे वहाँ पर। तो ऐसे ही नहीं है कि ठीक है चैनल पे लोग कम है वीडियो नहीं देखता है कोई, मत देखो यार क्या मतलब है, हम तो मनोरंजन के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये चीज़ हमको बड़ा गर्व होता है कि चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं सब ज्वाइनिंग किया हुआ लड़का है या ज्वाइनिंग करने वाला लड़का है, ये हमको एक्यूरेसी बड़ा मस्त लगता है। ऐसा नहीं कि चैनल पे मिलियनों आदमी है और साला कोई भी नौकरी नहीं ले पाया, ये बड़ा दुख की बात है। इसमें 50-60% स्टूडेंट जो है 2018 वाले बैच के हैं जो कि अभी नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपके आसपास में कमेंट भी मिल जाए कि सर हम यहाँ पे पोस्टेड। आप पुराना सब वीडियो खोल के देखिएगा, देखिए कैसे बोलता है छत्तीसगढ़ में सर पोस्टेड हैं सर हम BSF में हैं, अब देखिए आपको खुद पता चलेगा। और एक तो छोटा सा बात और, एक तो जो न्यू वैकेंसी का तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, चाहे SSC GD वाला न्यू वैकेंसी हो या BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल निकला था या CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अभी तक चल ही रहा है उसका, मतलब भरा रहा है वैकेंसी फॉरम, तो उसके लिए एक व्यवस्था किए हैं एक साधारण सा फाउंडेशन बैच का, और उसके लिए रात में ग्रुप डिस्कशन सब कुछ होगा, ठीक है। भूलने वाला टेंशन ख़त्म कर देंगे, जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछता है सिर्फ वही चीज़ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैसेज कीजिएगा हमको, इसके पहले वाले वीडियो में हम ये बता चुके हैं। तो कटअप जो भी हल्ला करता है ना यूट्यूब पे, उसको मुंह में दो थप्पड़ मारिए खींच करके और बोलिए तुम्हारा बाप बैठा है SSC में, ठीक है। सबसे साधारण बात ज्वाइनिंग को लेकर के हम बताना चाहते हैं, आप लोग का इस बार इतना तेज़ प्रक्रिया चल रहा है, मतलब आपको अगर आप लोग डिपार्टमेंट के आदमी रहते तो आपको पता चलता कि जो भी है चाहे ग्रुप सेंटर हो या ट्रेनिंग सेंटर हो हलचल मच गया है, हलचल समझ रहे हैं वो मच गया कि नया कैंडिडेट आने वाला है नया रिक्रूट आने वाला है। तो ये खुशी की बात है, हमको लगता है मतलब सोचिए कि बहुत जल्दी आप लोग का मेरिट भी दे देगा और दिसंबर तक हमको लगता है कि आप लोग को घर भी छोड़ना ना पड़ जाए, ऐसा हमको ऐसा लग रहा है। फिर भी देखिए भगवान से मनाते हैं जितना जल्दी हो जाए महाराज, आप लोग का सैलरी जा रहा है समझ रहे हैं कि नहीं, एक महीना नौकरी कीजिएगा अभी 27-28-30 हज़ार मिल जाएगा, कौन देगा घर में बैठा बैठा। और जैसे ट्रेनिंग से बाहर निकलिएगा 52 सप्ताह के बाद वैसे तुरंत पेमेंट 40 के आसपास, समझ रहे हैं कोई देगा, अभी 40 रुपया कोई नहीं देगा आपको, 40 हज़ार मिलने वाला आदमी आप बन गए, साधारण बात नहीं है, ठीक है। इसलिए साला ये सब जो झूठ मूठ का यूट्यूब पर वीडियो बनाता है ना कटअप वटअप के बारे में, उसका वो औकात नहीं जितना आप पहुँच चुके जितना दूर, इसलिए वो सब चक्कर से बाहर निकलिए। आपका 3-4-5 नंबर एक्स्ट्रा है, मन में शांति रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, और नहीं होगा तो मर नहीं जाइएगा महाराज, नेक्स्ट वैकेंसी है सब कुछ है दुनिया में, है होना इस बार 100%। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से आपको डाटा दिखाते हैं, ठीक है।